डॉक्टर मसूद, हमने टाइप 1 पेशेंट्स में देखा है ये ऑटो इम्यून बीमारी है, सो इसके साथ सीलिया की क्या एसोसिएशन है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सीलिए डिजीज इट बाई इट सेल्फ इज एक्चुअली एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और इसकी एसोसिएशन है 7 से 8 डिजीजेस के साथ. सीलिए पेशेंट में टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है, एक पित्ते की प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस कहा जाता है वो हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकता है. ठीक है. ये फैमिली में रन करता है, जेनेटिकली रन करता है. होता क्या है इसमें कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टीन है वहां पे ड्यूडिनम एरिया जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है वो बेसिकली आप जो भी फूड खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन करता है. तो सीलिएक में जो आपकी स्मॉल इंटेस्टीन है वो ग्लूटेन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. सही. अब ग्लूटेन में अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि ये वो प्रोटीन जिसके रिचेस्ट सोर्स जो है वो वीट या गंदम है. सही. तो जब भी पेशेंट गंदम खाएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, अल्टीमेटली वो लूज स्टूल या ग्लूटेन के साथ प्रेजेंट करेगा. ठीक है. तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, शंटेड ग्रोथ होगी. और एक और चीज जो हमारे मुशाहिदे में आई है वो ये है कि पहले तो हम 10, 12 साल, 8 साल के बच्चे होते थे उसमें डायग्नोसिस होती थी. अब 40, 45 ईयर्स के पेशेंट्स होते हैं 1-2 महीने से इन सारे इश्यूज के साथ आते हैं, तो जब वर्कअप करते हैं तो उनका सीलिएक डिजीज आ जाता है. ठीक है. और दूसरी जो सोचने वाली चीज है थोड़ी सी वो ये है कि अक्सर औकात ये देखा गया है कि हम सीलिएक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पेशेंट का HIV निकल आता है. सही. तो इन दोनों की प्रेजेंटेशन शुरू में ऑलमोस्ट एक जैसे होती यानी डायरिया, वोमिटिंग है. वगैरह. डायरिया वोमिटिंग के साथ पेशेंट आता है लूज स्टूल्स के साथ. जब हम उसके वर्कअप करते हैं इसके लिए NTTTG होता है, HIV भी कर लेते हैं, तो बाज़ औक़ात HIV निकल आता है. और कुछ एडवाइस करना चाहेंगे हमारे डायबिटिक मरीजों के लिए आप, ताकि जिन्हें आप कोयटा से आए हैं हमारे मरीजों को कुछ बताएं? कराची के पेशेंट्स और क्वेटा के पेशेंट्स के लिए खासकर एक तो डॉक्टर शाहिद वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग आई एवर मेट. तो अगर शुगर वगैरह का इश्यू हो तो भाई हम रिकमेंड सर को करेंगे, बाकी आप नजदीक जो डॉक्टर्स हैं. मैं ये कहूंगा कि सिर्फ मेडिकेशन ना लिया करें, प्रॉपर कंसल्टेशन लिया करें, उससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी और आपको चीजें समझने में भी मदद मिलेगी. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी. ओके. नाज़रीन, अगर आपने YouTube से चैनल सब्सक्राइब किया है तो ये सारे वीडियोस आप देख रहे हैं और इसको अप्लाई भी करें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में GI गैस्ट्रो के बहुत सिम्टम्स होते हैं. और जैसे डॉक्टर मसूद तरीन ने बताया कि अपनी डाइट का ख्याल करें और जो जो एडवाइस इन्होंने दी है उस पर अमल करें. नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़.